दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 365 डेज नेटफ्लिक्स की एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जो कि एक्चुअल में 365 डेज से भी ज़्यादा बेटर हैं। इनकी IMDb रेटिंग तो उतनी खास होती नहीं है, लेकिन इन मूवीज़ को जिस कारण से देखा जाता है वो सभी चीज़ें इसमें भरपूर हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। लेकिन दोस्तों, ये काउंटडाउन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि हॉलीवुड की मूवीज़ हिंदी में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में ज़्यादातर मूवीज़ ही इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, गेट अवे इफ यू कैन। मूवी बेस्ड है सर्वाइवल एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक मैरिड कपल से जो कि बोटिंग करने के लिए समुद्र पर निकलते हैं, लेकिन अचानक से ही उनकी बोट एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है और उस आइलैंड से वो किस तरह सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 2.9। नंबर 9, 9 बुलेट्स। मूवी बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे वेस्टलैंड से, जहां पर गैंग वॉर चल रही होती है। लेकिन इस गैंग वॉर में लास्ट में जीत किसकी होती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी को चाहे तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 3.8। नंबर 8, आउट ऑफ द ब्लू। मूवी बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे लड़के से जो कि एक लड़की से प्यार कर बैठता है, लेकिन लड़की उसे अपने काम के लिए यूज करना चाहती है। इवन उसकी लाइफ बहुत बार वो डेंजर में भी डाल देती है और लास्ट तक असल में इस लड़की के पीछे क्या मिस्ट्री है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं जस्ट प्ले पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 4। नंबर 7, हाउ टू प्लीज अ वोमैन। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस मूवी में आप देख पाएंगे एक ऐसी ओल्ड वुमन को जो कि अपने लाइफ में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहती है और वो अपने लाइफ को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए क्या क्या करती है यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं जस्ट वॉच पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 6, स्पीक नो इवेल। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस मूवी में आप देख पाएंगे एक ऐसे फैमिली को जो कि अपने नए घर में जाकर शिफ्ट होते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही उनका सामना कुछ अजीबोगरीब डेविल्स पावर से होता है और लास्ट तक वो फैमिली उस डेविल पावर से किस तरह सर्वाइव करती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं जस्ट वॉच और Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 5, द इमेक्युलेट रूम। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस मूवी में आप देख पाएंगे दो ऐसे कपल जिन्हें एक रूम में बंद करके रख दिया जाता है, लेकिन उन्हें सारी की सारी फैसिलिटीज भी दी जाती है, लेकिन उन्हें रूम में 45 डेज बिताना होता है और वो अपने टास्क को किस तरह कंप्लीट करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं जस्ट वॉच पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 3.4। नंबर 4, नो वे आउट। मूवी बेस्ड है रोमांस एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे कपल से जो कि अपने लाइफ को हाई एंड तक एंजॉय करना चाहती है, यानी कि अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉयमेंट के साथ बिताना चाहती है, लेकिन एंजॉयमेंट करने के चक्कर में उनकी लाइफ बहुत ही डेंजरस जगह पर पहुंच जाती है और वहां से वो किस तरह रिटर्न आते हैं ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं जस्ट वॉच पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 3.9। नंबर 3, द स्पाई हु नेवर डाइज। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड स्पाई एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे स्पाई से जो कि एक्चुअल में रिटायरमेंट लेना चाहता है, लेकिन उसकी एजेंसी उसे एक लास्ट टास्क देती है और वो टास्क एक्चुअल में एक लड़की को बचाने से रिलेटेड रहता है और वो स्पाई अपने इस टास्क को किस तरह कंप्लीट करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं जस्ट वॉच पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.4। नंबर 2, वॉचर। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे कपल से जो कि अपने नए घर पर आकर शिफ्ट होती है, लेकिन वहां पर आते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मार देना चाहता है और वो किसी भी तरह से इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं और लास्ट तक वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है Amazon पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे द नॉर्थमैन। मूवी बेस्ड है फैंटेसी एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है द नॉर्थमैन से, जिनके पिता को बचपन में कुछ लोग मारकर चले जाते हैं, लेकिन नॉर्थमैन किसी भी तरह से अपने पिता का रिवेंज उनसे लेना चाहता है और नॉर्थमैन अपने इस मिशन को किस तरह कंप्लीट करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में।
मूवी रिलीज की गई है अमेजोन प्राइम वीडियो पर और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्हें भी मूवी रिव्यू या फिर वेब सीरीज रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज़ मेरे नए चैनल बापू एमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।